सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन बैंक अकाउंट रिजेक्ट के बारे में। बहुत सारा बंदा मुझे कमेंट कर रहा था कि भाई मेरा जो ड्रीम इलेवन में बैंक अकाउंट है वो रिजेक्ट हो गया एंड बार बार रिजेक्ट हो रहा है। मैं जैसे वेरीफाई करता हूँ फिर से, फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है। तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ईजिली वेरीफाई कर पाओगे, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा। एंड आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं आप लोग को दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो आप लोग इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो चले गए बिना टाइम हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर मैं स्टार्ट कर लेना, क्योंकि जैसे इस तरह का वीडियो को सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन को ओपन करने के बाद आप लोग को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड आप लोग को ऊपर में अपना प्रोफाइल दिखेगा कोना में, आप लोग को प्रोफाइल पे क्लिक मारना है। प्रोफाइल पे जैसे क्लिक मारोगे तो मैं आप लोग को पहले प्रॉब्लम दिखा दे रहा हूँ। जैसे मेरे में भी यही सेम आपका ही जैसा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप लोग थंबनेल एंड टाइटल देख के क्लिक किए, वेरीफाई योर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर बैंक अकाउंट गॉट रिजेक्ट टैप टू रिटायर। यहाँ पे बहुत सारा मैं भी दो तीन बार वेरीफाई कर रहा था, मेरा भी बार बार रिजेक्ट हो रहा था। इनका मुझे सॉल्यूशन मिल गया, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग को देख लेना। सबसे पहले आप लोग का इसका रीज़न जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग को ये जो बैंक अकाउंट वेरीफाई कर रहे हो वो जो पैन कार्ड का नाम, जो पैन कार्ड वेरीफाई किए थे वही सेम अकाउंट में भी नाम होना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले ये तो फर्स्ट रीज़न है आप लोग का जो रिजेक्ट होने का। एंड सेकंड रिजेक्ट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे कि और भी बहुत सारा जो एक फ़ोटो जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, लाइटिंग होता है, तो इसलिए वो वेरीफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना है, फिर से बैक करना है, उसके बाद नीचे आप लोग को हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग को हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक मारना है। हेल्प एंड सपोर्ट पे जैसे क्लिक मारोगे नीचे आप लोग को चैट विथ अस पे क्लिक करना है। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना, चैट विथ अस पे क्लिक मारना है। जैसे आप लोग चैट विथ अस पे क्लिक मारोगे तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, चैट विथ अस वेट करना है। एंड आप लोगों को वेट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है, जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही सेम आप लोगों को टाइप करना है। यहाँ पे लिखना है माई बैंक अकाउंट रिजेक्ट, आप लोगों को इतना लिखना है माई बैंक अकाउंट रिजेक्ट, उसके बाद प्लीज़ फिक्स माई प्रॉब्लम, आप लोग को इतना लिखने के बाद आप लोगों को सेंड करना है। यहाँ पे लिखना है माई बैंक अकाउंट रिजेक्ट प्लीज़ फिक्स माई प्रॉब्लम, आप लोग को इतना लिखने के बाद आप लोग को सेंड करना है। सेंड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि आप लोग का जो रिजेक्शन हुआ है क्यों हुआ है, बैंक अकाउंट जो रिजेक्ट हुआ है क्यों हुआ है, सारा डिटेल्स के साथ यहाँ पे लिख के आप लोग को बता रहा है। यहाँ पे मैं आप लोग को सारा डिटेल्स पहले बता रहा हूँ क्यों मेरा बैंक अकाउंट रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पे लिखा विलन कैन बी द रीज़न ऑफ बैंक अकाउंट रिजेक्शन, ठीक। यहाँ पे देखिएगा इस इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालें वो गलत डालें, इनकरेक्ट डालें। और नीचे लिखा हुआ है नेम ऑन पैन कार्ड इज डिफरेंस फ्रॉम द, यहाँ पे बताया जा रहा है पैन कार्ड में अलग नाम है और जो बैंक अकाउंट वेरीफाई किए उसमें अलग नाम है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है। और नीचे मैं आप लोग को पढ़ के दिखा रहा हूँ, नेम ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर प्लीज़ इंश्योर डैट द बैंक अकाउंट इज कनेक्ट टू द वेरीफाई पैन कार्ड, यहाँ पे बताया जा रहा है जो पैन कार्ड वेरीफाई किए उसी से आप लोग को बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है, जिससे कि आप लोगों का वेरीफाई ईजिली हो जाएगा एंड आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और नीचे यहाँ पे लिखा है नॉट अपलोड एन ऑफिशियल बैंक डॉक्यूमेंट, यू कैन अपलोड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, चेक, पासबुक और स्क्रीनशॉट ऑफ योर नेट बैंकिंग प्रोफाइल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फोटो डाले वो भी क्लियर डालना है एंड जो हम लोग फॉलो हैं वो आप लोगों को सही से फोटो डालना है, ठीक। और नीचे लिखा हुआ अपलोड एंड इमेजेस वेयर एनी और ऑल डिटेल्स आर नॉट क्लियर, यहाँ पे बताया जा रहा है आप जो फोटो अपलोड किए उसमें फ़ोटो क्लियर ही नहीं है और यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक। और नीचे लिखा है बैंक एप्सी में बी इनवायलेट एज पर आवर, यहाँ पे चेक द लिस्ट ऑफ ऑल इनवायलेट एप्सी बाई डाउनलोडिंग द अटेस्टमेंट बिलोन, यहाँ पे एप्सी कोड इज़ ऑन दिस लिस्ट प्लीज यूज
अनदर बैंक अकाउंट डिफरेंस आईएफएससी कोड। यहाँ पे बताया जा रहा है आईएफएससी कोड जो है वो भी दूसरा बैंक का आप डाल दिए और बैंक अकाउंट जो बैंक जो है वो भी आप गलत डालें, बैंक अलग है और आईएफएससी कोड अलग है, इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया। तो इसका आप लोगों को रीज़न पता चल गया होगा क्या रीज़न है, आप लोगों को यही सेम इसमें चैट करना है एंड आप लोगों का क्या रीज़न है आप लोगों को बता देगा, सेम आप लोगों का जो रीज़न है वो जान लोगे तो आप लोग तो ईजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों जो पैन कार्ड वेरीफाई किया उसी का नाम से आप लोग को बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है, उनका ही बैंक अकाउंट आप लोग को वेरीफाई करना है, तभी आप लोग का रिजेक्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।